अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं वर्ड ऑफ यूनानी चैनल से डॉक्टर हकीम असलम जावेद। काफ़ी दिन के बाद आज हम एक अपनी यूट्यूब वीडियो जो कि अरपुन निसा या जिसको के कहा जाता है शियाटिका, इसको लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, नसों का दर्द भी कहा जाता है। दर्द की शिद्दत जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है और इंसान को चलने फिरने में बड़ी परेशानी होती है। बड़ा ख़तरनाक दर्द माना जाता है ये। इरकुन निसा या लंगड़ी का दर्द एक सख्त अजियतनाक दर्द है जो कि कूली की हड्डी से शुरू होकर रीढ़ी तक जाता है। पूरी टांग में एक जानिब होता है, कभी कभी दोनों टांगों में भी होता है। ये दर्द एक चौड़े पट्टे में होता है जो कमर के पास से निकलकर एड़ी तक जाता है। इस पट्टे को शियाटिक नर्व या असबुल इरकुन निसा कहते हैं। इसी मुनासबत से इस दर्द को शियाटिका कहा जाता है। चूंकि मरीज इस दर्द में रेंगकर और लंगड़ाकर चलता है, इसलिए इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। इस बीमारी की अहम वजह दर्द वाले पट्टे पर किसी रसौली का दबाव, कमर के मोहरों में खराबी, या बहुत देर तक भीगे कपड़े पहनना या ठंडी जगह पर बैठना है, या फिर गठिया निकरस वगैरह में अरसे तक मुबतला जो मरीज होता है उसको भी ये दर्द हो सकता है। ये बहुत मुश्किल से ठीक होने वाला मर्ज होता है जो तर्ज ज़िंदगी और उठने बैठने के गलत तरीक़ों की वजह से नसों में ज़्यादा दर्द होता है। खासकर कमर से लेकर पैरों की नसों तक शियाटिका एक ऐसा ही दर्द है। दरअसल ये खुद बजाते खुद एक बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों की अलामत है। इसका इलाज आराम, वर्जिश और दवाएं हैं, लेकिन कई मामलों में सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। ऐसे लोग जो टेबल या कंप्यूटर पर घंटों बैठकर काम करते हैं, उन्हें दर्द ज़्यादा परेशान करता है। इससे इनकी रगों या नसों में तनाव पैदा हो जाता है। इसकी अहम अलामत तब सामने आती है जब पीठ और पैर में दर्द होने लगता है। ये दर्द ऐंठन या अकड़न की वजह से भी हो सकता है। जब नसों के फाइबर इससे मुतासिर होते हैं तो पैर की उंगलियों को हिलाना भी मुश्किल हो जाता है और पैरों को उठाने में भी तकलीफ होती है। ये मर्ग अगर शिद्दत अख्तियार कर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये दर्द अगर होने लगे, ये मर्ज अगर बहुत ज़्यादा होने लगे तो खड़े रहना या चलना मुश्किल हो जाता है। इस किस्म की शिकायत हो तो ऊंची एड़ी के चप्पल जूते ना पहनने चाहिए, बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, और न ज़्यादा मुलायम गद्दों पर सोना चाहिए। गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए। इसके अलावा आगे झुकने से बचना चाहिए और ना कोई भारी सामान उठाना चाहिए। और जो रिवायती बैतुलखला होता है उसके बजाय मगरबी टॉयलेट या वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। फिजियोथेरेपी इसकी मुस्तकिल आप करा सकते हैं। वर्जिश, सिकाई और सब कुछ जो है, लेकिन एक ऐसे तबीब की देख रेख में होना चाहिए जो कि मुस्तनद तबीब हो। मालिजों का ख्याल है कि अगर मजकूरा बातों पर तवज्जो दी जाए तो 6 से 12 हफ्तों में इस दर्द से मुकम्मल निजात हासिल की जा सकती है। जहाँ तक परहेज़ का सवाल है, चावल, दही और खट्टी ठंडी चीज़ें, बादी अशिया का परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। तिब्ब नबी में है कि इरकुन्निसा का इलाज जंगली बकरे की रान को महराक कर किया जाए और फिर इसकी यखनी 3 हिस्सा कर दी जाए। इसके बाद 3 दिन तक यखनी का इस्तेमाल रोज़ाना किया जाए। इसे निहार मुँह ही खाना चाहिए। जबकि तिब्ब यूनानी में बहुत सारी दवाएं इसके लिए मौजूद हैं। इसमें जो है बहुत सारे जो है माजून काम आते हैं। बहुत सारी गोलियां जो हैं, टैबलेट्स ऐसी होती हैं यूनानी में कि उनको जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको किसी भी मुस्तनद तबीब से मशवरा करना चाहिए। इरकुन निसा या लंगड़ी का दर्द जो है उसके लिए यूनानी में ख़ास तौर से जैसे कि माजून सूरनजान है, माजून अजराकी है, हब्बे सूरनजान है, हब्बे अजराकी है, हब्बे अजगंध है, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है और इनका इस्तेमाल से इसमें फ़ायदा होता है। ख़ास तौर से जो नसों को, जो हमारी नर्व्स होती हैं उनको जो स्टिमुलेट करने वाली मेडिसन्स होती हैं, जैसे अजराकी है, हब्बे अजराकी इसके लिए एक बेहतरीन दवा होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी यूनानी दवासाज कंपनियां जो है माजून सूरनजान भी बनाती हैं, हब्बे सूरनजान भी बनाती हैं। अगर इन दोनों दवाओं को जो है थोड़े वक्त तक इस्तेमाल किया जाए तो उससे एक फ़ायदा होता है। ये एक बहुत मशहूर बीमारी भी मानी जाती है। ये जो है उंगलियों तक पहुंच जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, पैरों की उंगलियों तक पहुंच जाता है। और अगर मादा थोड़ा होता है तो सिर्फ पिंडली तक या घुटने तक भी रहता है।
अतिब्बा ने लिखा है कि निसा नामी एक रग है जिसमें मादा ठहर जाता है और तकलीफ का बाइस होता है। जब इरकुन निसा सिर्फ रिया की वजह से होता है तो दर्द दौरे के साथ हुआ करता है, इसलिए ऐसी चीज़ों से जो ठंडी हों, तर हों और जिनसे रिया और बलगम ज़्यादा पैदा हो, उसका परहेज करना बहुत लाजिम है। इसमें कद्दू, भिंडी, खरबूजा, तरबूज, पालक वगैरह का भी परहेज कराया जाता है और तुर्श चीज़ों में आड़ू और नारंगी वगैरह मुजिर होती है। बर्फ़ का ठंडा पानी पीने से और सर्द पानी से गुसल करने से भी परहेज करना चाहिए। जबकि बकरी का शोरबा, चपाती, तीतर, मुर्ग का भुना हुआ गोश्त, मूंग या अरहर की दाल, अंडों की जर्दी वगैरह खाना फ़ायदेमंद होता है। अगले वक्तों के अतिब्बा जो माहिर जर्रा हुआ करते थे, रगे अरकुन निसा को तलाश करके दाग दिया करते थे जो अमूमन मुफीद साबित होता है। बहरहाल इसका इलाज मुस्तादी से करना चाहिए और माहिर हकीम से ही रुजू करना चाहिए। ठंडी चीज़ों का परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मालिश भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। बहुत से तेल होते हैं जैसे रोगन सुरंजान है, वो इसमें फ़ायदा करता है। इसकी मालिश की जाए या रोगन सुर्ख वगैरह से मालिश की जाए तो फ़ायदा करता है। और यूनानी दवाओं में इसका मुस्तनद इलाज है, मुकम्मल इलाज मौजूद है इंशाल्लाह। आप बिल्कुल अगर किसी को भी ऐसी परेशानी है, इरकुन निसा का दर्द, नसों का दर्द जिसको कहा जाता है, या लंगड़ी का दर्द भी जिसको कहते हैं, इसका इलाज जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और 2 से 3 माह में अल्लाह का शुक्र है कि मरीज़ों को फ़ायदा होता है। पिछले 30 सालों से हम इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं और बहुत मरीज़ों को इससे फाका हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बहुत मरीज़ इससे ठीक हुए हैं। अगर आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर जो है लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी परेशानी भी हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।